फाइटर फिल्म हो गई फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी बजट थी और दोस्तों बजट पूरा नहीं हो पाई। तो दोस्तों टोटल बजट क्या थी फिल्म का, उसी के बारे में विशेष चर्चा करूंगा। आखिर फाइटर कितनी देर तक कमाई कर चुकी है वही भी चर्चा करूंगा, और फाइटर का आज प्रेडिक्शन क्या ले रही है वो भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों टोटल बजट का पहले बात करूं तो दोस्तों ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर की फाइटर का टोटल बजट था 250 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 250 करोड़ की बजट की बनी फिल्म था फाइटर। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का बात करूं टोटल 8 दिनों में, तो दोस्तों 8 दिनों में 146 करोड़ 25 लाख का ही बिजनेस कर पाया। जी हाँ दोस्तों, 146 करोड़ 25 लाख का ही बिजनेस कर पाया है 8 दिनों में फिल्म। यानी कि दोस्तों अभी भी 100 करोड़ हिट के लिए फिल्म को चाहिए, तो दोस्तों क्योंकि अब चलेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों टाइम ओवर हो चुकी है। अगर जो फिल्म को चलना होता तो दोस्तों शुरुआत दिन ही लगभग 35 से 40 करोड़ ओपनिंग लेती, तभी कोई उपाय बनता फिल्म को लेकर। लेकिन दोस्तों चली नहीं तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी नहीं। तो दोस्तों अब तो फ्लॉप हो चुकी है फिल्म। और आज का आप प्रेडिक्शन का बात करूं तो दोस्तों आज भी 3 करोड़ से प्लस का प्रेडिक्शन बताई जा रही है फिल्म को लेकर। यानी कि दोस्तों आज है नम्मा दिन का बारी, आज 3 करोड़ से प्लस का हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेजों में प्रेडिक्शन बताया जा रहा है फिल्म को लेकर। यानी कि दोस्तों आज तबाही तो हल्का फल्का तय ही है। तो दोस्तों ये होती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये होती है प्रेडिक्शन। तो दोस्तों हमारे पास इतना ही लेटेस्ट न्यूज़ थी, लेटेस्ट अपडेट थी इस फिल्म को लेकर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल समोसा क्रिटिक्स पर।